होता क्या है कि यहाँ का नाला से पूरा यहाँ का जनता बर्बाद है, परेशान है। पानी ने एतेक लागल छै अथी मनवारी मोहल्ला मियाँ चक में गेलो पूर्ति करो ना। 34 नंबर वार्ड में यहाँ जो है हर पब्लिक का यही रास्ता है जाना, चट्टी से लेके हीरालाल चौक का जाने में जो परेशानी होता है, जुमा को होता है, हर मुसलमान जो है नमाज पढ़ने के लिए उसका बदन खड़ा होता है, हिंदू जाता है पूजा पाठ करके यहाँ पर भोला बाबा बजरंग बली है उसका देव पूरा नपाक है, इससे बढ़ के क्या चाहिए। रोज कहता वार्ड कमिश्नर की बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, पास हो गया पास हो गया। सर आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। अभी मैं नगर निगम के वार्ड नंबर 34 में खड़ी हूं और यहां की जनता से मैं ये जानूंगी कि वार्ड इस नगर निगम वार्ड नंबर 34 में कितना काम हो रहा है, कितना काम चल रहा है और इस नगर निगम के काम से ये लोग कितने संतुष्ट हैं और इस नगर निगम को इस उनके काम को कितना मार्क्स देना चाहेंगे। चलिए आज मैं बात करती हूँ, नगर निगम के काम से संतुष्ट हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने लालच इतने घिनाल है, ये पूरा लाली बेकार है। और हम लोग को आने जाने में बच्चे, हम लोग को बच्चे को जितने भी है बहुत तकलीफ होता है। देखते हैं ये लालच जितने भी हैं, मतलब दिन रात पानी ऊपर रहता है। अच्छा। मतलब कोई चीज़ का सेवा नहीं है, कोई चीज़ का सेवा जी नहीं, कोई चीज़ का। तो आप नगर निगम के काम को कितना मार्क्स देना चाहेंगे, 10 में से अगर आपको कहा जाए कितना मार्क्स देना चाहेंगे? जीरो होगा। और इसमें इतना पानी आता है मैम, इतना पानी आता है कि बाल बच्चों को स्कूल छोड़ने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। आपके वार्ड कमिश्नर कौन है? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। अच्छा, आप नगर निगम के काम से संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट नहीं है, कुछ भी संतुष्ट नहीं है नहीं। आपको अगर कहा जाए कि वार्ड नंबर के नगर निगम के काम को 10 में से कितना मार्क्स देंगे आप? अरे जीरो तो बोले। जीरो बस। क्यों, कोई तो कारण होगा? कोई कारण क्या, देख रहे हैं कि ये पूरा गली गंदा उमदा रहता, आने जाने में बहुत कठिनाई। कोई सुविधाएं आप लोग को नहीं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं दी जाती। वार्ड कमिश्नर ने सुधर रहा है? नहीं सुधर। कौन है आपके वार्ड कमिश्नर? राजेश। राजेश, क्या क्या आपने उन लोगों को कम्प्लेन नहीं किया? एक दान है, एक सौ अदा की है, एक सौ बार की है, लेकिन सुनता नहीं। यहाँ आप तो ऐसे देख लिया, आप उधर जाके देख लीजिए। हाँ। उधर ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। पानी है रोड पे, लेकिन यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई निकासी नहीं है, कोई निकासी नहीं। वार्ड कमिश्नर अलता रहे, पिछले सत्ता में भी यही वार्ड कमिश्नर थे। इससे पहले? हाँ। नहीं, उससे पहले रंजीत भी आते। अच्छा। वो ठीक थे मिला जुला कर। अभी कोई काम नहीं हो रहा है? कोई नहीं। तो आप अगर कहा जाए आपको नगर निगम के काम को 10 में से कितना मार्क्स देंगे? अभी कोई मार्क्स नहीं है उसके, कोई मार्क्स नहीं है, फिर भी कोई जीरो, फुल्ली जीरो राजेश भैया के लिए। चलिए आप देख सकते हैं कि अभी मैं वार्ड नगर निगम के वार्ड नंबर 34 में मौजूद हूं और यहां की जो नाला है वो खुद ही अपनी हालातें बयां कर रही है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और इधर दिखाइए, आप देख सकते हैं कि नाला पे आप देख सकते हैं ये अपनी हालात कुछ खुद भी खुद ब खुद बयां कर रही है। और चलिए आगे भी मैं दिखाती हूँ, बने आप लोग। बड़ी घुटन सी महसूस हो रही, इतनी गंदगी यहाँ पे फैली हुई है और नाला का नाले पे ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है और इतना बह रहा है। और यहाँ की जनता का ये कहना है कि बरसात के मौसम में इतने घुटनों तक पानी हो जाती है, उसके बाद इन लोग को आने जाने में भी बहुत तकलीफें होती है। और चलिए मैं यहाँ की पूछती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या बोले मैडम, क्या परेशान, नगर निगम के काम से खुश हैं आप लोग? खुश तो नहीं है मैडम, परेशानी तो है ही सब। क्या परेशानियाँ हैं? पानी यहाँ इतना बड़ा हो बढ़ जाता है तो इससे यहाँ के नाले पे ढक्कन नहीं लगा हुआ, कभी आप लोगों ने बोला नहीं है? हम लोग तो इतना ध्यान नहीं दिए। क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अब बोलते हैं, पहले इससे इनसे पहले था रंजीत दास, उनसे भी बोले तू भी ध्यान नहीं दिया, अभी कोई ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग के बच्चे लोग खेलते खेलते अगर गिर जाए तो फिर आप लोग शिकायत नहीं करते उनको? बहुत कहते हैं, सारे लोग को जाने आने में भी परेशानी होती है, तो बहुत ज़्यादा। अभी तो पानी यहाँ बहुत ज़्यादा जमा रहता है। हाँ, अभी तो कम है, अभी कम है। हाँ, तो आप खुश हैं नगर निगम के काम से? अरे हम लोग क्या खुश रहेंगे, हम लोग को तो पूरा गंदगी से ही गुजरना पड़ता है हमेशा, और इधर भी पूरा नाला जाम ही रहता है, इससे पूरा इधर से भी कोई। अगर नगर निगम के काम को आपको कहा जाए 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? हम तो दो ही देंगे। दो नंबर दीजिएगा? हाँ दो। चलिए
ये पहले ये शख्स हैं कि नगर निगम के काम को ये 2 नंबर दे रहे हैं, और अभी तक जो भी आपने देखा होगा सबने 0-0-0 बताया। ये पहले ये ऐसे शख्स हैं जो थोड़े से खुश नज़र आ रहे हैं नगर निगम के काम से, और 2 नंबर 2 मार्क्स इनको दे रहे हैं नगर निगम को। यहाँ पर का ऐसा हालत है कि तिनकोनिया मोहानी है, जितना भी रात में लोग आता मोटरसाइकिल से औंधे मुँह गिरता या मोटरसाइकिल ले ले, कोई भी हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या डोमे हो या चमारे हो, हाथ पर टूटा कह दूंगा तो कहिए तब साबुत दिखा देंगे। फिर भी कहा उसको जो आता है डोम मेहतर मेहतर जो है उसके बोलेगा पत्थर ला के लगा, तो बोला कहाँ से लाएंगे पत्थर, अब रोडे बनेगा तो लगेगा, तो लगा कि मर रहा है, हाथ पर फूट रहा है, इतना चिरा गया आदमी का पैर, कोई परवाह नहीं है। हमारा लूलांगड़ आदमी ही से चल नहीं पावे छी, वृद्धा पेंशन ने कुछो नहीं, हमें यार भिखमंगा लोग के भीख मांग के खा वोट दिए बैठल रहे चूल्हे में लगे। कोई नाला के विषय में तो सब आदमी जलिए रही न चल पावे छी, न बढ़िया कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ शिकायत करल जाइए, चल हो होबे न करे छे, कहाँ शिकायत करल जाइए। कौन जी बोलता है जे टेंडर ले है, हाँ। की बोले है ठेकेदार उस सुअर का बच्चा है ना करता है, यहाँ उसको गाली देंगे। हम लोग जितना मुसीबत में यहाँ पर है नर्क का जिंदगी में जीते हैं, लोग कहता है कि आप हैजा पलेगा काला जाए, लेकिन ऊपर वाला कह के हम लोग को ना काला मच्छर काटता है ना का कह के हम लोग का ना हैजा फैलता, लेकिन ऊपर वाला हम लोग यहाँ पर कब्रिस्तान से हम लोग को बचाव है, नहीं तो यहाँ से क्या होता। कौन है आपके वार्ड कमिश्नर? मेरा वार्ड कमिश्नर यहाँ का बहुत अच्छा आदमी राजेश है। कोई काम नहीं किया अभी तक? काम किया क्या, बहुत अच्छा आदमी है, तब काम इतना बड़ा हो रहा है कि क्या अच्छा काम रहेगा। बहुत अच्छा किया तो वो अच्छा काम है, खराब कैसे कहिए, तो अच्छा कर लगे कि नाला अभी तक देखो टूटल फूटल, रात का आदमी कितना गिर गया कितना, मेरा अपना खुद का देखिए, एगो पत्थर मांगता था कहाँ से ला के देंगे हम, एगो कम्बल जलाम देता अभी रखता कि क्या करेगा ले जाकर श्री नाम रखे, क्या बोले सरिया का, आप लोग बोलिए ना पढ़ा लिखा उनका क्या इज्जत है, उठा छा चलिए नहीं चलिए हाँ बोलिए, परेशानी हो रही है। हम लोग देखते पत्थर जो वहाँ पर गिरा पब्लिक को कितना वहाँ पर दिक्कत होता है रात में आने जाने में, वहाँ पर एक पत्थर वार्ड कमिश्नर बदला सकता है, और इससे बढ़कर हम यहाँ पर क्या बोले। तो वार्ड इस नगर निगम के काम को अगर बोला जाए 10 में से कितना मार्क्स दीजिएगा? हमको मास नहीं बुझने के लिए आता, मास क्या कितना नंबर दीजिएगा? किसको देंगे नंबर? नगर निगम को अगर कहा जाएगा नंबर दीजिए, कितना नंबर दीजिएगा? जीरो। जीरो नंबर नहीं देंगे? हाँ हाँ वो हाँ, हमको बुझने नहीं आता, लाली न बनाता है तो वही तो पूछना है आप लोगों से। सरकार खाली मोतिया जो बैठले नहीं है रामपुर करेला आई? वही तो आप लोग से पूछने हैं। देखो हुआ हम ना हो ये न रहले हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा नुनू, चलो हमरा घर भी हुआ देखो इतना पानी रह जाए जाम हो और लाली लीचा है नुनू। तो वार्ड कमिश्नर कहाँ अहाँ सब शिकायत नहीं के लिए? शिकायत तो बोले ही है, तो आई बन तो कल बन तो कौन ठेकेदार है, तो कम है ठेकेदार, तो बेटी मर गई तो बहू मर गया है, ठेकेदार बोले है ठीक से, इतना गाड़ी दिले उन्ने बोलने ना लाला, इतना ठेकेदार आर के सब के गाड़ी दिले उदार पुदार के दिले जे हमको नहीं लाला ना, आ इधर लाला बन रहा है, तो कोई ना बोले सब हंसे रहे। किछ काम नहीं कलक? किछो काम नहीं कलक नगर निगम? कुछ नहीं कलक नगर निगम, खाली नाम के बउआ नगर गंगा है, कुछ नहीं कलको देखो एकदम नरक बाबू होल रात बिहार सुन नु, रात बिहार के जेते तो घर टूटते नहीं टूटते, हुआ चलो हम अपना घर में बतबे छो चलो ढक्कन खुला हुआ है। देख सकते हैं आप ये नगर निगम के वार्ड नंबर 34 के ये हालात है, ये आप देख सकते हैं इसकी नाले की इसमें ढक्कन भी नहीं लगा हुआ है, कितना बदबू यहाँ पे कर रहा है, और इधर देख लीजिए कितना कचरा, कोई नगर निगम करता है हाँ, किसी का नहीं कोई यहाँ पे सूद लेने वाला कोई कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। अगर आपको अगर कहा जाए नगर निगम को मास्क देते हैं देते हैं उन्होंने फेंकता है, मिशन लावे छे आ मिशन से उठा कर फेंकते छे सब, पूरा फेंक के ना भाग जाता है, इतनी गंदगी में आप लोग कैसे बोलते हैं, दमा के बोलते हैं कोई ना फेंकता है, बोलता है कि अथी बोलता है, इतनी गंदगी में आप लोग कैसे रहते हैं? रहते हैं क्या कैसे? हम साल से इस जगह में जब से आए तब से न रोड बना न नाला बना, क्योंकि वहाँ पे अभी जो पानी
जो जमा हुआ है उस जगह में हम लोग 500 रुपया अपने व्यक्तिगत चंदा किए हैं, व्यक्तिगत चंदा करके वहाँ पे नाले नहीं ना, हम लोग ये चंदा किए हैं तो वार्ड कमिश्नर से हम राय लिए हैं, देखिए हम लोग नहीं, आप अगर नाला कीजिएगा तो हम लोग बनवा रहे हैं अपने पैसे का। बोला है मत बनवाइए, एक सप्ताह के अंदर में बन जाएगा, आज हो गया 4 सप्ताह, 4 सप्ताह जी, और इस रूट में जो है ना अभी वार्ड कमिश्नर जाना बंद कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि इस जगह अगर हम रहेंगे तो हमको बोलेगा पब्लिक लोग, इस वजह से। कौन है यहाँ के वार्ड कमिश्नर? ये राजेश शाह। अगर आपको कहा जाए 10 में से कितना मार्क्स दीजिएगा नगर निगम को? हम तो एक भी नहीं देंगे और क्या बोलेंगे। यहाँ पे कैसे रहते हैं? हम बोलते हैं फिर भी नहीं साफ करते हैं, बोलते किनको बोलते हैं? वार्ड कमिश्नरों के बोलते हैं, साफ करने वाले की भी बोलते हैं, फिर भी नहीं सुनवाई लेता है, खड़ी झाड़ू। आप नगर निगम के काम से खुश हैं? ना, फिर भी अति होवे करता है। कितना 10 में से अगर कहा जाए कितना मार्क्स दीजिएगा नगर निगम के काम को? क्या काम के? कोई काम नहीं किया तो कितना मार्क्स दीजिएगा? देखिए सब लोग से पूछ सकते हैं। कितना सबसे पूछ लिया आप बताइए, कितना मार्क्स दीजिएगा? आपको कितना लगता है कितना मार्क्स दिया जाए उनको नगर निगम के काम? 10 के 0 0 पूछो ना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मार्क्स दीजिएगा। हाँ चलिए, ये लोग भी 0 के पक्ष में ही है।